वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात करेंगे आज रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि यूक्रेन के चार प्रांतों में जो है जनमत संग्रह कराया गया और उनको जो है ऑफिशियली जो है रशिया में उनका विलय करवा लिया गया है। तो ऐसी तस्वीरें जो है आपने हाल ही में देखी होंगी कि पुतिन साहब जो है उन चार प्रांतों के लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं और उनका जो है रशिया में मर्जर करवा रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध जो चल रहा है उसका ये मिशन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कितने पूरे हो गए हैं। तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपने जाना होगा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है रशिया के क्या हैं इस युद्ध के पीछे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात कर लें जो कि मेनली था नेटो को लेकर थ्रेट जो था, और उस थ्रेट को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो रशिया का मिशन रहा है इसमें वो ये है कि यूक्रेन को जो है लैंड लॉक्ड बना दें। लैंड लॉक्ड बनाने का मतलब ये हो जाता है कि यूक्रेन की इकोनॉमी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है सी रूट से नहीं कर पाएगी। उसको करने के लिए रशिया पे निर्भर होना पड़ेगा, और निर्भर होने का मतलब ये हो जाएगा कि उनके खिलाफ वो नहीं जाएंगे और जहाँ तक है उनकी बात फिर मानना पड़ेगी। तो चार प्रांत जिनका विलय हुआ है वो है लुहांस, डोनेस्क, खारसन और ज़ेपोरिज़्या। तो ये जो चार प्रांत हैं हो चुके हैं। एक प्रांत क्रीमिया जो है वो पहले ही ले चुका है रशिया। अब जो सर्कल एरिया आप देख रहे हैं ओडेसा का हो जाता है। ये जैसे ही ले लिया जाएगा क्या हो जाएगा, ये यूक्रेन जो है वो लैंड लॉक्ड हो जाएगा। तो दूसरे मैप को देखें जहाँ पे यूक्रेन के जो स्टेट्स हैं राज्य हैं उसका ये नक्शा है, तो ओडिशा जो है ये क्रिटिकल है, इसको लेना है, और थोड़ा सा इलाका जो है इनको मेकोलाव क्या का भी जो है लेना है। तो ये इन्होंने ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये लैंड लॉक्ड हो जाएगा। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि यही जो है मेजर ऑब्जेक्टिव इनका है कि यूक्रेन को लैंड लॉक्ड बनाना है। तो अगर हम इस पूरे युद्ध को देखें तो 80% ऑब्जेक्टिव जो है वो रशिया के पूरे हो चुके हैं, बस ओडिशा वाला इलाका बचा है। तो चाहे तो वो अभी भी युद्ध को जारी रखकर इसको ले सकते हैं, जैसा कि अभी लग रहा है कि वो 3 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स जो है वो जमा कर रहे हैं। हो सकता है वो इसी पर हमला करने के लिए हो, या फिर जो है चाहे तो वो युद्ध को अभी ख़त्म कर सकते हैं और बाद में कुछ साल बाद जो है डिले करने के बाद जो है वो फिर अटैक कर दें और इसको ले लें, जैसा कि उन्होंने पहले किया, पहले क्रीमिया को लिया, उससे पहले जो है जॉर्जिया वगैरह में किया था, और आप उसके बाद जो है स्टेप बाई स्टेप जो है कर रहे हैं। तो चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, पर अभी करने में फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि अभी ठंड आ रही है, ठंड की में जो है गैस की ज़रूरत जो है यूरोप को बहुत ज़्यादा होती है, और इस ज़्यादा ज़रूरत के कारण जो है गैस सप्लाई रोक के जो है वो उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपने ऊपर सैंक्शंस हटवा सकते हैं। तो अभी हाल ही में जो है इटली की जो है पूरी गैस सप्लाई जो है इन्होंने रोक दी है, तो ये जो है इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा हो सकता है। इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।